अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ट्यूब गैस्ट्रोस्टमी एंड एंट्रोस्टमी। ठीक है। इट इज़ आ इंडिकेटेड व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग इज़ प्रोलोंग्ड। वो कह रहे थे हम फीडिंग देंगे प्रोलोंग लंबे दौरानी के लिए, 4 to 6 वीक्स के लिए। द ट्यूब इज़ इंसर्टेड टू स्टमक द जूजिनम। वो कह रहे हैं कि हम स्टमक से जूजिनम तक इसको इंसर्ट करेंगे ट्यूब को। तो फिर इसको कैसे करेंगे? ओपन सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे एंड पार्कुटेनियस एंडोस्कोपी करेंगे। एंड साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर साइड इफेक्ट्स क्या आ जाएंगे? न्यूक्रोटाइजिंग फैक्टर्स आ जाएगा एंड सेप्सिस आएंगे एंड इंट्रा अबडामिनल वॉल एप्सिस आ जाएंगे। जो इंट्रा अबडामिनल वॉल होगी वहाँ पे एप्सिस बने, दाने बन जाएंगे एंड परसिस्टेंस गैस्ट्रिक फसूला होने के चांसेस होंगे। ये इसके साइड इफेक्ट्स थे। ठीक है। तो कम्प्लिकेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर दो तरह की कम्प्लिकेशन होगी। एक होगी रिलेटिव फीडिंग ट्यूब, रिलेटिव फीडिंग ट्यूब की पहले बात करते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा माल पोजिशन चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे ये ब्रेकेज है कि लिवाज है। ठीक है। फिर डिस लिवाजमेंट चेक करेंगे, फिर एस्पायरेशन चेक करेंगे, फिर इरोजियंस ऑफ स्किन, स्किन के अंदर इरोजियंस हुई है कि नहीं मिकोजा के अंदर, फिर परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन के, इंटेस्टाइन के अंदर सुराख तो नहीं बनी है, फिर पेरिटोनाइटिस चेक करेंगे, फिर एप्सिस दाने बने हैं कि नहीं, फिर फसूला की फॉर्मेशन चेक करेंगे, फिर इंटरस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्यूब ब्लॉकेज, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आगे बात करते हैं रिलेटेड टू फीडिंग रिगमाइंस रिजमेंस। इसके अंदर क्या होगा? फीड इंटोलरेंस डायरिया इज मोर देन 30% ऑफ द पेशेंट, ब्लॉटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, अबडामल क्रैम्प्स, ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा एंड एंट्रिक इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट्स डिसऑर्डर होने के चांसेस होंगे एंड ड्रग की इंट्रेक्शन होगी एंड विटामिन मिनरल्स ट्रेस एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होंगे। किसके अंदर? रिलेटेड टू फीडिंग रिगमेंट्स के अंदर। तो आगे बात करते हैं पार एंट्रल न्यूट्रिशन। पार एंटर न्यूट्रिशन कौन सी न्यूट्रिशन होगी जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन का कोई भी तरीका हम इस्तेमाल करें, जिसके अंदर सारी की सारी न्यूट्रिशन जीआईटी ट्रैक की बजाय कहाँ पे दे जीआईटी? ये पार एंटर न्यूट्रिशन वो सी मोबाइल न्यूट्रिशन है जिसके अंदर हम सारे का सारा तरीका न्यूट्रिशन जीआईटी ट्रैक की बजाय हम वीनस वीनस के थ्रू दें, वीनस के थ्रू दें, उसको कहेंगे टोटल पार एंटर न्यूट्रिशन। तो इसकी इंडिकेशन की बात करते हैं, इसके अंदर गट इज़ ऑब्स्ट्रक्ट, गट के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव होने के चांसेस होंगे एंड गट इज़ शॉर्ट्स होगी। ठीक है। और गट के अंदर फस्टूला होने के चांसेस होंगे एंड गट जो होगी हमारी इन्फ्लेम हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन होगा एंड गट कैन नॉट कोप। ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं, इसके अंदर कंजेस्टिव कार्डिक फेल होने के चांसेस होंगे एंड ब्लड डिस क्राइसिस होने के चांसेस होंगे एंड फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस होगा। तो रूट की बात करते हैं, किन किन चीज़ों के जरिए हम ये दे सकते हैं? तो दो चीज़ों के जरिए दे सकते हैं, पेरिफेरल वेन्स और सेंट्रल वेन्स। पेरिफेरल वेन्स के अंदर आ जाएगा स्फेलिक और बेसिलिक, और सेंट्रल वेन्स के अंदर सब क्लेविकल इंट्राजुगुलर और पेरिफेरल इंटेस्टाइनल सेंट्रल वेन लाइन सॉरी। तो मॉनिटरिंग ऑफ पैर एंट्रल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले क्लिनिकल मॉनिटरिंग चेक करेंगे, इसका बैलेंस चेक करेंगे, फ्लूड बैलेंस कितना है, फिर रिकॉर्ड वाटर चेक करेंगे, वेयर चेक करेंगे पेशेंट का, फिर एंट्रल्स ऑफ क्रिएटर एंड फीडिंग लाइन चेक करेंगे। तो उसके बाद 5% पेशेंट ऑफ डेवलप मेटाबॉलिक इनलार्जमेंट चेक करेंगे एंड ब्लड कल्चर्स ऑन चेक करेंगे इसके अंदर। ठीक है। फिर बायोकेमिकल मॉनिटरिंग के अंदर, इसके अंदर डेली चेक करेंगे, इसके अंदर सोडियम की मदार चेक करेंगे, पोटाशियम की, यूरिया की, क्रिएटिनिन की एंड ग्लूकोज की, तो चेंज हुई है कि कम हुई है, ज़्यादा हुई है, ये चेक करेंगे। वीकली के अंदर है, हर हफ्ते के बाद हम चेक करेंगे ब्लड फुल ब्लड काउंट जैसे CBC कहते हैं, और लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे, और कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम की वैल्यू चेक करेंगे हर हफ्ते के बाद, और मंथली की एक माह बाद चेक करेंगे हम सिलीनियम, जिंक, कॉपर, यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या चेंज हुए हैं कि नहीं। एंड कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ जाएगा फीडिंग कैथेटर, 10% ऑफ कैथेटर सेंट्रल लाइंस डेवलप सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन आएंगी। ठीक है। इसके अंदर और प्रॉब्लम क्या क्या होंगी? फेलियर ऑफ कैनुलेट, निमोथॉरक्स, हीमोथॉरक्स एंड कार्डिक परफ्यूजन्स, कार्डिक परफोरेशन होगी हार्ट के अंदर एंड प्लूरल फ्यूजन्स एंड आर्टरियल पंक्चर्स, ब्रोंकियल प्लेक्सिस इंजरी होगी एंड थोरैसिक डक्ट इंजरी होने के चांसेस होंगे।
तो रिलेटेड टू फीडिंग रेगमेंट की बात करते हैं, इसके अंदर हम हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरोसमल डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होंगे, एंड हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटिक स्टियोसिस एंड हाइपरकोलेस्टेमिया एंड हाइपरट्राइग्लाइसीमिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या आ जाएगा, हाइपोनैट्रेमिया, हाइपरनैट्रेमिया एंड हाइपरकैलोरीमिया एंड हाइपरकैलोरीमिक एसिडोसिस।